नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC with HSM में। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019 से 2020 स्टेज फर्स्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का जो प्रथम स्टेज है उसको कराने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो पॉइंट आता हुआ आता है उद्देश्य कि ये परीक्षा का आयोजन क्यों कराया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम के योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अर्थात इस परीक्षा के माध्यम से प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खोज परीक्षा के लिए राज्य स्तर पर योग्य परीक्षार्थियों के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजन किया जा रहा है। निर्धारित कोटा के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्तर फर्स्ट के द्वारा चयनित विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT नई दिल्ली द्वारा ली जाएगी। इसके संबंध में जो द्वितीय स्तर है इसके संबंध में पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अतः आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पात्रता की। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्तर फर्स्ट में राजस्थान में स्थित मान्यता प्राप्त सभी राजकीय, निजी, केंद्रीय, सैनिक, नवोदय विद्यालयों के वर्तमान में कक्षा 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों। अर्थात कक्षा 10 में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 में संपूर्ण रूप से 55% अंक प्राप्त किए हैं वे इस परीक्षा के आवेदन के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग हेतु न्यूनतम अंकों की जो सीमा है वो 50% रखी गई है। परीक्षा की जो तिथियां हैं वो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम स्तर राजस्थान में जो दी गई है वह 3 नवंबर 2019 रविवार को होगी। परीक्षा केंद्र पर जो पहुंचने का जो समय है वो 8:30 दिया गया है। अलग अलग राज्यों की जो परीक्षा तिथियां हैं वो अलग अलग होती है, इसलिए राजस्थान में ये 3 नवंबर 2019 को होगी। परीक्षा हेतु आवेदन करने की जो तिथियां हैं वो इस प्रकार रहेगी। परीक्षा शुल्क हेतु जो समयावधि है, बिना विलम्ब शुल्क विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण की जो अंतिम तिथि है वो है गुरुवार 19 सितंबर 2019। मुद्रित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है सोमवार 23 सितंबर 2019। विद्यालयों द्वारा बोर्ड को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, अन्य प्रलेख शुल्क जमा कराना, बैंक चालान में छात्र सूची सहित भिजवाने की अंतिम तिथि है शुक्रवार 4 अक्टूबर 2019। विलंब शुल्क सहित गुरुवार 26 सितंबर 2019 और मुद्रित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है विलंब शुल्क सहित 30 सितंबर 2019 होगी। परीक्षा का जो शुल्क है वो इस प्रकार निर्धारित किया गया है। जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं उन्हें 300 रुपये, बिना विलम्ब शुल्क के और विलम्ब शुल्क सहित 350 रुपये दे होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इन्हें 200 रुपये, बिना विलम्ब शुल्क और विलम्ब शुल्क सहित 250 रुपये जमा कराने होंगे। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अग्रेषण शुल्क विद्यालय द्वारा 20 रुपये प्रति परीक्षार्थी अलग से लिया जाएगा। परीक्षा की जो योजना है वो इस प्रकार है। परीक्षा में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम MAT के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा पेपर होगा उसे स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड
टेस्ट SAT के नाम से जाना जाता है। परीक्षा की जो समय अवधि होगी वो 9:30 से लेकर 11:30 तक होगी और 9:30 AM से 12 जो दोपहर का जो समय है तब तक होगी। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 120 मिनट। इसी तरह से स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड जो शैक्षणिक परीक्षण है वो 13:30 से लेकर 15:30 तक होगा और ये भी प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें साइंस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर का होगा और जो टाइमिंग ड्यूरेशन होगी वो होगी 20 मिनट। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ST SC PH कैंडिडेट्स के लिए 32% एंड जनरल OBC एंड EWS के लिए 40% क्वालिफाइंग जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया होगा, ऑल द क्वेश्चन विल बी MCQ विद 4 ऑप्शन एंड ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन बोथ द पेपर सेपरेटली विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो पेपर होगा उसमें 32% ST SC और PH कैंडिडेट्स को लाना होगा और जो जनरल OBC और EWS जो कैटेगरी उन्हें 40% लाना होगा, तभी उन्हें मेरिट के लिए योग्य समझा जाएगा। सिलेक्शन ऑफ द अवेयर्स विल बी मेड बाय बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन MAT एंड SAT बेस्ड ऑन मेरिट, दोनों में SAT और MAT दोनों को मिलाकर मेरिट तैयार की जाएगी और उसमें जो ऊपर सबसे ऊपर जो विद्यार्थी होंगे मेरिट के आधार पर उन्हें सिलेक्शन लिया जाएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का जो स्तर होगा वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा वर्तमान में संचालित कक्षा 9 और 10 का रहेगा। प्रथम जो सत्र है बौद्धिक योग्यता परीक्षण, जिसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी 4 विकल्प वाले होंगे, जिन्हें 120 मिनट में हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, सोचने की योग्यता, निर्णय योग्यता, मूल्यांकन एवं विवेदीकरण आदि की परीक्षा ली जाती है। शाब्दिक जो प्रश्न होंगे वो अक्षर श्रेणी से, संख्या श्रेणी से, कथन प्रकार, वेनारेख, समानता असमानता, डाइस टाइप, कूट अकूट, अर्थग्रहण, संबंध, क्रम आरोही अवरोही, छोटा बड़ा, दिन दिनांक संबंधी जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जबकि अशाब्दिक जो प्रश्न होंगे वो सभी चित्रात्मक समस्याओं के रूप में होंगे। RBC विद HSM चैनल के माध्यम से भी टैलेंट, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करवाया जाएगा। अतः आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। द्वितीय स्तर का जो होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसे स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट या SAT के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न बहुविकल्पी 4 विकल्प वाले होंगे, जिन्हें 120 मिनट में हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न अंक 1 अंक का होगा। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा वर्तमान में संचालित कक्षा 9 व 10 का रहेगा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न पत्र में विषयवार प्रश्नों का विभाजन निम्नानुसार रहेगा। विज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से 40 प्रश्न और गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न वो जो पूछे जाएंगे। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थी का उत्तर गलत होने पर प्राप्त अंकों में अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात ऋणात्मक जो अंकन है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हमने जाना। परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे होंगे, तो परीक्षा केंद्र यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित राजस्थान राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र है NTSC स्टेज फर्स्ट, यानी राष्ट्रीय नेशनल सर्च एग्जामिनेशन फर्स्ट 2019 से 2020 के प्रवेश पत्र संबंधित विद्यालय प्रधान जहां से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा है के बोर्ड द्वारा प्रदत्त ID पासवर्ड तथा पासवर्ड द्वारा बोर्ड वेबसाइट से परीक्षा आरंभ से पूर्व डाउनलोड
कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्तर फर्स्ट हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार्य है। आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी, अर्थात सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और इन फॉर्मों को भरने की जो जिम्मेदारी होगी वो संस्था प्रधान की रहेगी। अतः इस वीडियो के माध्यम से हमने आज NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल RBSC विद HSM को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।